देखिए ऐसा है कि हमारी उत्तर मध्य रेलवे में चुनार चौपन सेक्शन है। आपको ज्ञात है कि ये सेक्शन सिंगल लाइन सेक्शन है, 102 किलोमीटर का सेक्शन है। इसका दोहरीकरण का कार्य आज स्वीकृत हो गया है। ये 1553 करोड़ रुपए का की लागत का एक प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इस ट्रैक से, इस मार्ग से हम लोग कोयला बहुत ढोते हैं, ज़्यादातर कोयला ढोते हैं, कम यात्री गाड़ियाँ हैं इसके ऊपर। और यहाँ से जो कोयला प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो कोयला से जो बिजली संयंत्र हैं कोयला चालित, उन सब में दिया जाता है। तो एक तो ये है कि करंट में जो हमारे पावर प्लांट है उनको कोयला देना। इसके अतिरिक्त चार जगह पर बड़े बड़े पावर प्लांट आ रहे हैं, घाटमपुर, हमीरपुर, खुर्जा, हरद्वागंज और जवाहर थर्मल पावर प्लांट एटाम में। और ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये कोई कम कैपेसिटी के नहीं है, 1920, 1980, 660, 1320 मेगावाट, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा कोयले की ज़रूरत होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि 660 मेगावाट के तीन प्लांट के लिए लगभग 10 रेक कोयले के, रेक 5000 टन के चाहिए होते हैं। इसी इतना सभी कोयले की आपूर्ति करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोयले की ढलाई करनी है। इसी क्रम में यह जो प्रोजेक्ट है एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम इसके ऊपर हमारे कार्यालय ने ऑलरेडी कार्य करना शुरू कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसके अंदर एक सोन ब्रिज पे जो पुल है 1.3 किलोमीटर का, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, परंतु उसको भी समयबद्ध ढंग से कराया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि हम 3 से 4 साल के भीतर इस पूरी की पूरी डबलिंग को पूरा का पूरा कर दें, यात्रियों को सुविधा मिले। इसके अतिरिक्त आज भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से वाल्मीकि नगर का दोहरीकरण का जो 1270 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, और DFCC का 13606 करोड़ का सोन नगर से जो अंडाल के मध्य तीसरी और चौथी लाइन के लिए जो अभी आज सैंक्शन मिला है, उससे पूरा हमारा जो गुड्स ट्रैफिक है पूरा सेपरेट हो जाएगा। और जैसे ही गुड्स ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट होगा, हमारी जो एग्जिस्टिंग लाइन है उस पर हम पैसेंजर ट्रैफिक चला पाएंगे और यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकेंगे। सर बात करें अगर ऐसी परियोजना स्वीकृत की गई है जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करेगी, जैसे 7 योजनाएं की गई, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक योजना उसने 96 किलोमीटर की गोरखपुर जंक्शन से वाल्मीकि नगर खंड के लिए 1269 करोड़ रुपए की लागत से दोहरीकरण की स्वीकृति हो गई है, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश से पूर्वोत्तर के राज्यों को जाने वाले माल यातायात में शीघ्रता आएगी, अपितु पूर्वोत्तर की यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा के समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही दूसरी बात, हमारा जो DDO तक हम DFCC तक गए हैं, अब गुड्स को भी हमको जो हमारा सेपरेट ट्रैक जब आगे तक लेके जाना है, इसी साल 374 किलोमीटर का सोननगर अंडाल खंड के 13606 करोड़ रुपए की लागत से तीसरी व चौथी लाइन कार्य की स्ट्रेटेजी, तीसरी चौथी यही है कि हमारी पैरेलल गुड्स हो जाएगी, इससे उत्तर से पूर्व जाने वाले माल अभी हमको एक लिमिट तक ले जाने पर फिर उसको IR को काटना पड़ता है। आपको पता होगा जब हमारा मुगलसराय, जो हमारा प्रयागराज के लिए DFC का लाइन डेवलप हो रहा था, तो समय समय पर कभी राजगंज, कभी भीमसेन, अब हम जाकर के DDO तक संपूर्ण पहुंच पाए हैं। अब DDO से सोननगर के बाद हम चाहते हैं कि आगे तक का किया जाए। इसी क्रम में सरकार ने आज DFC के 13606 करोड़ रुपए लागत के मूल्य को भी स्वीकृति दे दी है। तो जिस तरह से हम लोग ज्यादा ढो रहे हैं, इवन जो कोल इंडस्ट्री है, दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, और 2026-27 में इसको 65.71 मिलियन टन करने की योजना है, और 2029-30 तक 77.37 मिलियन टन होने की संभावना। तो आप समझ सकते हैं 2020-21 से यदि हम 29-30 तक जाए 6 साल बाद, इसको 3 गुना ज्यादा है। तो यदि हम अपनी कैपेसिटी, अपनी लाइन कैपेसिटी, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो हम ये लोग चल मरा जाएंगे।
इस दोहरीकृत मार्ग से कोयले के सप्लाई और राष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस दोहरीकरण से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास की नई गाथा लिखी जा सकेगी। इससे उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज क्षेत्र को झारखंड और छत्तीसगढ़ की सुगम और सीधी कनेक्टिविटी पुख्ता होगी, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों की उत्तर प्रदेश के इन नगरों तक व्यापार, रोजगार और स्वास्थ्य सहित अन्य सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के आवागमन में अधिक गाड़ियों का परिचालन हो सकेगा। साथ ही इस क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्रों से कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बाजार और औद्योगिक उत्पादन इकाइयों के लिए नए बाजार की सुलभ उपलब्धता मिल सकेगी। यही नहीं, वर्तमान में इस लाइन से उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े और तीन राज्यों से जुड़े आदिवास बहुल जिले सोनभद्र और मिर्जापुर सेवित किया जाता है। इसके माध्यम से 2054 गांव 6,778 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 25 लाख की जनसंख्या को लाभ मिलता है। यह रेलवे लाइन हावड़ा से दिल्ली को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को राष्ट्र के ऊर्जांचल से जोड़ने का कार्य करती है। यदि दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते हम सिंगरौली से चुनार की दूरी पूरा करें तो 230 किलोमीटर की होगी, जबकि 54 के माध्यम से सिंगरौली से चुनार की दूरी मात्र 167 किलोमीटर रह जाती है। ये इसका एडवांस जो इन दोनों स्टेशन के बीच सबसे छोटा मार्ग है। यह परियोजना सिंगरौली बेल्ट से कोयला रेत की आपूर्ति चुनार चौपर खंड के दोहरीकरण के से यात्रा के समय में काफी कमी के साथ साथ अतिरिक्त माल ढुलाई में वृद्धि आएगी और लॉजिस्टिक लागत भी कम होगी। यदि हम देखें वर्तमान में 5 मौजूदा बिजली संयंत्र हैं, में मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड जो 1320 मेगावाट का है, प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड बेवरा 1980 मेगावाट का है, पंकी पावर हाउस 660 मेगावाट है, हरद्वारगंज पावर हाउस 660 मेगावाट है, एनसीआर का एनटीपीसी दादरी पावर हाउस 1820 मेगावाट है। यदि ऐसे 4 और इसी कैपेसिटी के लगे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इस कार्य की स्वीकृति लगभग 1573 करोड़ रुपए की है, काफी इसके अंदर पैसा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक मेजर ब्रिज है जो कि सोन नदी पर है और एक तकरीबन 300 किलोमीटर स्वतंत्रता उपरांत यातायात की आवश्यकता बढ़ने पर नई लाइने और दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया। व्यस्त मुगलसराय वर्तमान दीनदयाल उपाध्याय यार के अधिक व्यस्त होने के कारण उत्तर रेलवे ने करणपुरा कोयला क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में चुनाव चौपन खंड का निर्माण शुरू हुआ। यदि हम इधर पुलिस की हिस्ट्री बताना चाहेंगे कि मुख्य लाइन पर चुनाव से रॉबर्टन शुभ तक का खंड 14 जुलाई 1954 को खोला गया था। इसके आगे गढ़वा रोड तक बढ़ाया गया, जहां चौपन से ठीक पहले सोन नदी पर एक पुल की आवश्यकता थी। अतः अंततः यह लाइन 19 अक्टूबर 1963 में खुली है, तो मतलब ब्रिज के कारण 1954 एंड 63 तो मेकिंग अ ब्रिज ऑन 1.3 किलोमीटर रिवर इज अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। रेलवे जोन में जो एक नई सौगात मिली है वो चीज हम आप तक के सामने समक्ष रखना चाहेंगे। देखो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। ज्ञातों की विगत कुछ वर्षों में भारतीय रेल में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और इसका मुख्य कारण रेल को मिलने वाले बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि है। आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश में रेल विकास हेतु रिकॉर्ड 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का आवंटन हुआ। यही नहीं, वर्तमान में यदि हम सभी प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में 1,66,122 करोड़ रुपए के 5,407 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में वहां पर